देखें जी, मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो ओपन करूंगा, ठीक है। यहाँ से जाकर ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेरे पास है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखें, ये आपको बता रहा है जी, गुड आफ्टरनून। अब आपने क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करनी है या इसके अलावा कुछ चीज़ें पड़ी हैं तो आपने उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जो है वो प्रेजेंटेशन हमने सिलेक्ट कर ली। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो स्लाइड होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, टाइटल स्लाइड, ठीक है। अब टाइटल में हम कोई टाइटल डाल देते हैं, मिसाल के तौर पर क्राफ्टर्स, ठीक है। मैंने एक टाइटल डाल दिया, ठीक है। टाइटल डालने के बाद फॉन्ट की चीज़ें सेम वही हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें एक चीज़ ऐड कर दी इन्होंने कि ये फॉन्ट का शेडो इन्होंने दे दिया यहाँ पर। अगर आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखें, ये शेडो जो है वो आपके फॉन्ट में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाकी बड़ा छोटा करने के लिए सेम वही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। अब यहाँ पर देखें, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और मेरा जो टेक्स्ट आ रहा है वो बिल्कुल इसके एंड पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकता हूँ। मैं टॉप पे कर सकता हूँ इसको, मिडल पे कर सकता हूँ, ठीक है, बॉटम पे कर सकता हूँ। लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। मैं इसको टॉप पे रखूँगा, ठीक है। टॉप पे रखने के बाद मैं यहाँ से बैक स्पेस कर दूँगा तो ये मेरा जो है वो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं खुद से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ये देखें। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो स्लोगन लिख देता हूँ, अ प्लेस वेयर यू लर्न। सब टाइटल रख दें या आपका जो स्लोगन है वो रख दें, आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल जो है वो स्लाइड आपकी बन गई। अब बेसिकली स्लाइड बनाते ही हम इसलिए हैं कि किसी प्रेजेंटेशन किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप सिंपल स्लाइड बना देते हैं तो भी अलग बात है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं इसको कोई डिज़ाइन दे दूँ या मैं इसे कोई खूबसूरत बनाकर पेश करूँ। तो सबसे पहले हम ये स्लाइड्स का फंक्शन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था न्यू स्लाइड, अगर आप नई स्लाइड लेना चाहते हैं यहाँ से नई स्लाइड ले लेंगे। देखें, जो पहले हमारे पास स्लाइड बनी हुई थी वो ऊपर चली गई और नीचे हमारे पास न्यू स्लाइड आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सेम जैसी मेरी ऊपर स्लाइड बनी हुई है और इसी के जैसी मेरी दूसरी स्लाइड आ जाए, तो मैं डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ से ले लूँगा। देखें, सेम जैसे मेरी ऊपर स्लाइड थी वैसे ही मेरी नीचे वाली स्लाइड भी आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये अगर मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहूँ, शर्त ये है कि स्लाइड आपकी कौन सी सिलेक्टेड है, सेकंड स्लाइड सिलेक्टेड है। अगर मैं इसका लेआउट चेंज करता हूँ तो देखें, अब ये लेआउट चेंज कर देगा इसका, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी डेटा हमने डाला हुआ है, ब्लैंक पे चले जाते हैं और यहाँ से लेआउट चेंज करते हैं इसको। अब ये टाइटल आ गया और एड क्लिक टू टेक्स्ट आ गया, और यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर एड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपका पिक्चर का फंक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर ला कर रख सकते हैं जी। मिसाल के तौर पर मैंने कीबोर्ड की पिक्चर यहाँ लाई, ये देखिए मेरे इस फंक्शन में पिक्चर आ गई, ठीक है। अब शर्त ये है कि जो चीज़ें पड़ी हैं, चाहे आपने चार्ट रखना है, चाहे इंसर्ट स्मार्ट आर्ट रखना है, या आपने 3D कोई मॉडल रखना है, जो भी चीज़ें रखनी है वो आपने एक ही बार यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम एक चीज़ करते हैं एनिमेशन। चलें डिज़ाइन को भी देख लेते हैं, फिर कल इनको फिर जो है वो तसली से हम डिफाइन भी करेंगे और मज़ीद इनके ऊपर काम करेंगे। आज सिर्फ सस्ती आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई डिज़ाइन देना है अपनी
प्रेजेंटेशन को तो इस तरीके से हम जो है वो स्लाइड्स को यहाँ से थीम्स दे सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, ये बैकग्राउंड आप अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें मैंने क्योंकि सिंपल रखी हुई अपनी प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसके बैक में ऑलरेडी मेरा लोगो आ रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक मैंने डिज़ाइन रख दिया, और ये थोड़ा सा जो है वो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से डिफरेंट डिज़ाइन आप अपनी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, और यहाँ से ये जो वेरिएंट है इन वेरिएंट को भी चेंज कर सकते हैं, कि मतलब जो थीम आपने अप्लाई की हुई है उसके कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फ़ॉन्ट के कलर को इफेक्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें और भी डिज़ाइन है, देखें ये मैंने ले लिया मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। ये एक डिज़ाइन है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको एनिमेशन देता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले टाइटल को जो है वो सिलेक्ट किया, टाइटल सिलेक्ट करने के बाद मैं चला गया एनिमेशन में। यहाँ पे देखें सबसे पहले एनिमेशन लिखी हुई आ रही है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम किस्म की जितनी भी किस्म की एनिमेशन है वो नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले हमारे पास जो है इंट्रेंस आती है, कि कोई चीज़ बाहर से आपकी स्लाइड के अंदर आ रही है, इसे हम इंट्रेंस कहते हैं, एंटर हो रही है, ये स्लाइड्स हैं, ठीक है। मैंने ये एक एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई की बाउंस की, या अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। एक चीज़ फ्लाई इन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर ये ले लेता हूँ, ये डिफरेंट स्लाइड्स। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि जी हम एक टेक्स्ट पे एक ही एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं या हम मुख्तलिफ एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक टेक्स्ट पे एक वक्त में 3 से 4 बल्कि ज़्यादा भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसका करने का तरीक़ेकार ये है, मिसाल के तौर पर मैंने सबसे पहली इस पे ये एक एनिमेशन रखी, ठीक है। ये एनिमेशन रखने के बाद मैं यहाँ से एनिमेशन चेंज नहीं करूँगा, मैं करूँगा ऐड एनिमेशन। क्या करूँगा? ऐड एनिमेशन। जब मैं ऐड करूँगा तो ये इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि जी मुझे पता कैसे चलेगा दोनों एनिमेशन चल रही हैं। तो मैं एनिमेशन पेन में जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं प्ले ऑल पर क्लिक करूंगा, तो देखें ये दोनों एनिमेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। एनिमेशन पेन में जाके आप कोई भी एनिमेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अक्सर मेरी स्लाइड्स देखी हैं कि उसमें लेटर्स जो है वो आ रहे होते हैं एनिमेट होके, तो आप यहाँ पे जो है वो ऑल टेक्स्ट आ रहा है एक साथ, आप चाहते हैं जी लेटर करके आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। देखिए ये दोनों एनिमेशन सिलेक्ट हो गई, इनके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और इफेक्ट ऑप्शंस में चला जाऊंगा। इफेक्ट ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे देखें एनिमेशन टेक्स्ट आ रहा है ऑल एट वंस। इसको मैं अगर बाय वर्ड लाना चाहता हूँ तो एक बार बाय वर्ड करके देख लेते हैं। देखिए अब आपकी ये बाय वर्ड जो है वो एनिमेशन आ रही है, ठीक है। या अगर मैं चाहता हूँ नहीं जी बाय लेटर कर दूँ, तो मैं इसको बाय लेटर भी कर सकता हूँ। ये देखें अब एक एक लेटर करके आपकी एनिमेशन आ रही है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपने कहा आप चाहते हैं नहीं यार मैं एक ही एनिमेशन रखना चाहता हूँ दूसरी हटा दूँ, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, उसकी एक एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी और एक जो है वो रह जाएगी, ठीक है। ये एक छोटा सा फंक्शन था कि आज मैंने आपको डिज़ाइन करना बताया कि प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। मैं दूसरा जो टेक्स्ट है मेरा इसको भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दे देता हूँ और एनिमेट कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको चेक कर लें।
एक हमारे पास एनिमेशन थी इंट्रेंस की जो हमने यूज की, एक हमारे पास जो एनिमेशन है वो एम्फेसिस है, और एक हमारे पास एनिमेशन है जो मोशन पाथ के जरिए हम बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये तो एनिमेशन चंद रखी हुई है, मुझे बहुत सारी चाहिए, तो यहाँ पे नीचे जो इनके फंक्शन दिए हुए हैं, अगर आप इनमें जाएंगे तो आपको ये बहुत सारी एनिमेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखें, ये जो ड्रॉप की एनिमेशन है ये ऑलरेडी अब आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नज़र आ रही है, मैं चीज़ें काफ़ी सिखाता जा रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए ये। अब यहाँ पे अगर ये आप एनिमेशन रखते हैं यार, ये थोड़ी सी लेट चल रही है, मैं चाहता हूँ यार इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर देखें टाइमिंग आ रही है, टाइमिंग में आपके पास आ रही है ड्यूरेशन 1 सेकेंड फास्ट आ रहा है, आप इसको वेरी फास्ट कर दें, ठीक है, वेरी फास्ट कर दें, आप देखें ये एनिमेशन आपके पास थोड़ी सी स्पीड हो गई। इसके अलावा लेटर्स के दरमियान जो फासला है उसको भी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, कितने परसेंट डिले करना है, 50% आ रहा है, मैं इसको 25% कर देता हूँ, अब देखें और मज़ीद आपकी एनिमेशन तेज़ हो गई। तो ये इंशाल्लाह कल हम मज़ीद इसको जो है वो प्रैक्टिस में लाएंगे, और आपकी मज़ीद जो चीज़ें होंगी कि एनिमेशन के ऊपर कैसे काम किया जाता है, कौन सी जगह पर आपको किस तरह की एनिमेशन चाहिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आप अगर किसी इदारे की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप अगर अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अपने आप को डिफाइन करने के लिए, आप किसी शख्सियत को डिफाइन करने के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए किस किस तरह की प्रेजेंटेशन हो, और ऑडियंस जो आपकी बैठी हुई है जो आपको देख रही है वो किस तरह की जो है वो एनिमेशन देखना पसंद करती है, ठीक है।